Hello students, now here we are with some questions which are very important for your exam point of view. Okay, class 8th ke liye ye kuch questions hain jo bahut zyada important hain, theek hai, number system se related. For example, product of one rational and one integer. Isse pehle aapko ye pata hona chahiye ki rational number kya hota hai, integer kya hota hai, jiske liye aap ek previous video jo hai upload hai number system ke naam se dekh sakte hain, theek hai. Now here we are. ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है ट्रू है फॉल्स, आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. ओके, प्रोडक्ट ऑफ वन रैशनल एंड वन इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है, ये बात आपसे पूछी गई है. प्रोडक्ट ऑफ वन रैशनल, कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म का हो. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक 1/3, मल्टीप्लाई इट विद इंटीजर, इंटीजर मैंने ले लिया 2, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आई 2/3 विच इज एन रैशनल, सॉरी विच इज एन, इट इज नॉट इंटीजर, विच इज अ रैशनल नंबर. ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर, ठीक है. अब इसी की बजाय आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते थे, 1 × 2 विल गेट 2. 1 देखिए आपका एक रैशनल नंबर है, राइट. हर एक नंबर जो होता है आपके पास इंटीजर वो रैशनल होता है, ठीक है. 1 × 2 इज इक्वल टू द 2 विच इज इंटीजर, विच इज एन इंटीजर, ठीक है. लेकिन आपको क्या बोला गया है कि जब आप एक रैशनल को और एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक इंटीजर आना चाहिए. लेकिन मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया है जिससे मेरा नंबर कैसा आ रहा है, रैशनल. इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है आपकी वो क्या है, फॉल्स, बिकॉज आपको रैशनल मिल रहा है और यहां बोला जा रहा है इंटीजर आएगा, आ रहा है लेकिन हमेशा है, कोई जरूरी नहीं है. देखिये यहां आ गया ना रैशनल, ठीक है. सम ऑफ वन रैशनल एंड वन इंटीजर, चलिए एक रैशनल का सम ले लेते हैं. मैंने ले लिया 1/2 प्लस एक इंटीजर ले लेते हैं, ले लिया 2. टेक एलसीएम, 1 + 2 = 4/2 विच इज 5/2. इसने कहा वो हमेशा एक रैशनल आएगा. ऑब्वियसली ये देखिए, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है. ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है. अब मान लीजिए एक रैशनल मैंने ले लिया था 1, अभी मैंने देखा यहाँ पे 1 रैशनल है, उसको ऐड किया 2 के साथ, वो आया 3. ये हमारे पास इंटीजर है, लेकिन 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/1 यानी p अपॉन क्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर, ठीक है. यानी कि एक रैशनल का और एक इंटीजर का सम हमेशा कैसा आता है, एक रैशनल नंबर. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट. प्रोडक्ट ऑफ वन नेचुरल नंबर एंड अ होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर. इसने बात कही एक नेचुरल नंबर का, ठीक है. हमने ले लिया नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से, मल्टीप्लाइड अ होल नंबर. होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 0 से. दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या आता है, 0. इसने कहा वो हमेशा एक होल नंबर होगा, यस 0 हमारा आ रहा है, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, एक होल नंबर. तो स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू. मान लीजिए आप 1 ले लेते और दूसरा होल नंबर 1 ले लेते और वो क्या आ जाता, 1. 1 भी तो आपके पास एक होल नंबर है, ओके. अब अगर आपको नंबर सिस्टम क्लियर है तभी आपको ये चीजें जो है डिफाइन, मतलब प्रॉपरली समझ में आएंगी, और उसके लिए आपको पिछला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वन रैशनल एंड वन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. कि जो प्रोडक्ट है एक रैशनल का एक नेचुरल नंबर का, क्या वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, चलिए देख लीजिए. एक रैशनल नंबर 1/2 एंड 1 नेचुरल नंबर 1, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1/2, और ये हमारे पास क्या है, p अपॉन q फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स ये नंबर आपके पास कैसा आ गया, रैशनल नंबर, ठीक है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. 1/2 हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है. इट मीन्स आपके पास जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स. ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स, ठीक है. इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है और कौन सी क्या है, फॉल्स है, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं, आप कुछ फॉर्मूलेज हैं 8th क्लास में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे a − b होल स्क्वायर, ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है, a − b को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू आती है a² + b² − 2ab, ठीक है. इस ए बी के आगे नेगेटिव आता है अगर यहाँ नेगेटिव है तो, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इट मीन्स a + b,
ए प्लस बी इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है पॉजिटिव. ये तो सिंपली आपके पास फॉर्मूले है. एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. और इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ आपके सर्कमफेरेंस की तो वो क्या हो जाता है टू पाई आर. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस, देखिए इसके अंदर कॉमन क्या है, क्या एक्स सब में है, नहीं है. क्या टू का मल्टीपल सब में है, या टू है या थ्री है सेवन है, ये भी नहीं है. तो इट मीन्स कॉमन फैक्टर क्या आएगा वन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन फैक्टर ऑफ टू बाय एक्स 24 एंड 12 बाय एक्स. अब देखिए यहाँ पे एक्स है लेकिन इसके साथ कोई भी एक्स नहीं है तो इट मीन्स एक्स तो है नहीं कॉमन. फिर है टू 24 और 12. अब देखिए टू 24 टू 12 जार 24 और टू 6 जार 12 तो यानी कॉमन फैक्टर क्या आएगा टू. ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है. द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. पुट कर दीजिए जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस फोर विच इज इक्वल टू फोर. तो वैल्यू क्या आएगी फोर. द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी जीरो माइनस फोर विच इज इक्वल टू माइनस फोर. ध्यान रखिएगा जब आप जीरो में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस साइन आएगा और एड करते हैं तो यहाँ क्या आता है प्लस. स्क्वायर ऑफ 13, अब इन्हें कैलकुलेट करने मत बैठिएगा. ठीक है, एट क्लास में आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर्स जो है वो याद होने चाहिए. 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144, 25 इज 625 एंड 12 इज 284. ओके, ये आपके पास क्या आ जाते हैं स्क्वायर्स. ओके नाउ अब आ जाता है हमारे पास कि ये वैल्यू जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी हुई है नीचे ध्यान से देखिए वन एंड माइनस वन इफ एन इज इवन इफ एन इज ऑड, ये ट्रू है या फॉल्स है. अभी देख लेते हैं माइनस वन एन को इवन रखना है टू, इट मींस माइनस वन मल्टीप्लाइड विद द माइनस वन विल गेट वन. सिमिलरली माइनस वन रेस टू पावर ऑड थ्री रख दिया माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन को माइनस वन से किया वन अगेन मल्टीप्लाइड विद माइनस वन वी गेट माइनस वन. तो यानी जब एन ऑड है तो आंसर कितना आ रहा है माइनस वन और जब इवन है तो कितना आ रहा है वन. इवन क्या होते हैं टू के मल्टीपल्स, ऑड क्या होते हैं जो टू के मल्टीपल्स नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कैसी है ट्रू. ये स्टेटमेंट कैसी है ट्रू. ठीक है, उसके बाद देखिए सेम एज इट इज एक स्टेटमेंट आपको यहां पर भी गिवन है. ठीक है, अब इसमें भी पुट करके देख लेते हैं. जैसे माइनस वन मैंने कहा एन इवन है तो टू का मल्टीपल रखा मैंने टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन यानी माइनस वन, टू टू जा फोर प्लस वन यानी माइनस वन रेस टू पावर फाइव. और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जब माइनस वन की पावर ऑड होती है तो आंसर क्या आता है माइनस वन. अब रख लीजिए इवन सॉरी ऑड यानी टू मल्टीप्लाइड विद थ्री प्लस वन यानी माइनस वन रेस टू पावर टू थ्री जा सिक्स प्लस वन विच इज माइनस वन रेस टू पावर सेवन विच इज अगेन माइनस वन. यानी दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन. अब ये मत सोचिएगा मैम देखिए जब ऑड है तब तो सही आ ही रही है तो इसे ट्रू लगा देते हैं. नो, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास ट्रू होनी चाहिए. अब इवन है तब भी माइनस वन आ रहा है बट हमें कितना गिवन है वन, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को क्या लगाएंगे फॉल्स. ओके, मल्टीप्लाई कुछ टर्म्स होते हैं जहां फॉर्मूले बन जाते हैं, कुछ होती है जहां नहीं बनते हैं. अब यहां देखिए यहां कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है आपका, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया इट विल बी एट एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इट विल बी सिक्स एक्स, नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी एक्स और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 15. तो वैल्यू हो गई एट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एंड सिक्स ट्वेंटी सिक्स एक्स प्लस 15. देखिए आप कभी भी वेरिएबल के साथ किसी कॉन्स्टेंट को एड नहीं कर सकते, समझ में आ गया. मल्टीप्लाई अब यहां देखिए दोनों सेम है, यहां माइनस है और यहां पे क्या है प्लस है. तो आपने क्या करना है फॉर्मूला लिख लेना है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट मीन्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव. ये आपका क्या आ जाएगा आंसर. राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 31 बाय 12.
एडिटिव इन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, आप उसके अंदर क्या ऐड करें कि वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। यानी अगर इस तरीके का नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास होगा प्लस दिस, बिकॉज जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। यानी माइनस 31/12 प्लस 31/12 दोनों को ऐड किया इट विल बी जीरो। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पे, 1 रख दो, 1 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड विद माइनस 2 प्लस 2, इट मीन्स माइनस 2 प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस, यानी ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस 1 के ऊपर, तो माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2। अब माइनस 1 तो रहेगा बाहर और माइनस 1 का स्क्वायर, अभी हमने पहले किया कि जब भी माइनस के टर्म की पावर इवन होती है तो वो क्या ऐसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस 1 एज इट इज एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, इन्हें ऐड मत कर दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में है आपस में, 1। ड्रॉ टू एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि एक ऐसा रास्ता कि आप दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन भी कर रहे हैं ना, तो उन्हें ज्वाइन करने के बाद वो पाथ जो है शॉर्टेस्ट पाथ वो उसी के अंदर लाई करे, ठीक है। तो एक हो सकता है आपके पास स्क्वायर, मान लीजिए मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं इसी तरीके से जाऊंगी, ठीक है। एक आप क्या ले सकते हैं, ट्रायंगल ले लीजिए, ये दो पॉइंट है इनको ज्वाइन किया यहीं से जाऊंगी। यू कैन टेक सर्कल ऑल्सो, ये देखिए ये क्या है, सारे कन्वेक्स। मान लो अब मैंने कुछ ऐसा ले लिया और यहां से यहां जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। अब ये जो पाथ है ये देखिए ये क्या है, आउटसाइड लाई कर रहा है, तो इट मीन्स ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये तीनों आपके क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जांपल बताने हैं जब भी आपसे पूछे जाए, राइट। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर यूजफुल एंड अपकमिंग वीडियोज़।